हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 50 तक क्वेश्चन हो चुका था, आज हमारा कितना हुआ 51 से। तो देखें क्वेश्चन 51 आपसे क्या कह रहा है। तो 51 आपका है, ये आपसे कह रहा है टैन ए माइनस टैन बी बराबर एक्स तथा कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर बाई है। तो आपसे वो जानना चाह रहा है कॉट ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो चलिए क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसे तोड़ेंगे, कॉट बी को जो भी है उसको टेन मिलाएंगे। तो टेन मिलाने के लिए क्या करेंगे, वन बटे टेन बी माइनस वन बटे टेन ए बराबर क्या था आपका, बाई। तो बाई रह जाएगा। चलें इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन बी यहाँ टेन बी है, बच गया क्या टेन ए। तो वन से टेन ए गुना हुआ टेन ए, माइनस है तो माइनस टेन ए है टेन ए। टेन बी को वन से गुना करेंगे टेन बी बराबर क्या था हमारा, बाई। तो बाई लिख दिया। ठीक है, आगे चलेंगे देखेंगे टेन ए माइनस टेन बी का मान कितना है। यहाँ देखेंगे आप टेन ए माइनस टेन बी का मान कितना दे रखा है, एक्स। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टेन ए माइनस टेन बी के साथ एक्स। तो एक्स बटा नीचे क्या हमारा बच गया था, टेन ए इंटू टेन बी बराबर हमारा क्या था, बाई। ठीक है, अब चलिए एक्स और बाई को एक तरफ कर देते हैं। तो इसको आप इस तरफ कर दिए टेन ए इंटू टेन बी इस तरफ होगी और इधर था एक्स, बाई चलाएगा आपका नीचे बटा बाई। तो आपके यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो गया है किसका, टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका। तो चलें आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या पूछ रहा, आप जानते होंगे एक फार्मूला टेन ए माइनस बी का। इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपका फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। अगर नहीं पता तो फार्मूले में जाकर आप लोग उसे याद कर लें। तो चलिए देखते हैं टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का आपका क्या दे रखा, क्वेश्चन ही में दे रखा टेन ए माइनस टेन बी बराबर एक्स। तो उसके बदले हमने क्या लिखा है, एक्स बटा तो बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ देखेंगे आप टेन ए इंटू टेन बी का मान आपने कितना निकाला, एक्स बटे बाई। ठीक है, चले अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स और ये बाय था आपका पूरा चला जाएगा ऊपर, उधर चला जाएगा एक्स प्लस बाई, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, टेन ए माइनस बी का। ठीक है, अब जब आप जानते हैं कि टेन से जब हम कॉट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, वन बटे करते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, इसको वन बटे कीजिएगा टेन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस बी। और इधर आप जब वन बटे एक्स बाई बटे एक्स प्लस बाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सीधे आपका प्लॉट जाएगा एक्स बाई एक्स प्लस बाई बटे एक्स बाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरफ है नहीं, वन बटे कर दें आपका आ जाएगा वन बटे टेन ए माइनस बी होगा तो आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस बी, और वन बटे एक्स प्लस बाय होगा तो एक्स प्लस बाय आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स बाई। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर वन में आपका, ऑप्शन नंबर वन में ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या 52 आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। इसमें कह रहा है वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू वन प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इसका आपका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू क्या होगा। तो चले सबको साइन और कॉस में तोड़ दें आप। तो इसे क्या करेंगे, वन है तो वन प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा
बटे साइन थीटा माइनस हो तो माइनस वन बटे साइन थीटा इतना लिख सकते हैं, इंटू वन प्लस साइन थीटा को, ये टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को वन बटे कॉस थीटा इतना लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दोनों में आप देखें क्या है एलसीएम, साइन थीटा, साइन थीटा है तो साइन थीटा को वन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा, प्लस साइन है तो साइन है कुछ नहीं, कॉस थीटा ही रह जाएगा, प्लस ये सॉरी माइनस है तो माइनस, साइन थीटा वही है तो वन, ठीक है। इसमें आपका क्या है एलसीएम, कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा को वन से गुणा होगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, ये आपका प्लस वन। यहाँ तक आपका क्लियर है, चलते हैं देखिए नीचे आप, अभी कुछ नहीं है मतलब बीच में मल्टीपल है आपको, तो चलें नीचे आपको क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों गुना होगा, ऊपर वाले गुना होगा, जब ऊपर वाले गुना होगा तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक आप लें साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी, यहाँ से यहाँ तक आप पैक कर दें, इसको इसको पैक कर दें, तो देखें यहाँ से यहाँ आपका क्या है, इसको मान लीजिए ए माइनस बी, इसको मान लें ए और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर आपका, देखें यहाँ से यहाँ तक आप माने ए और ये आपका बी था, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए का जवाब कितना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का जवाब कितना था, वन था, तो वन का स्क्वायर, क्लियर। अब चलिए आप इसे तोड़ें, जब आप इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिएगा आप इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर में तोड़ें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस वन आपका आ जाएगा, बटा है तो बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, वन, आप सभी को पता है, तो ये दोनों को मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन बटा बटा, तो आपके क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे था तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका क्या बच जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ख़त्म, ये आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ दो, तो दो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, तो चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है, सब रिवाइज मारिए, दो से तीन बार सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे कह रहा है, फोर कॉट स्क्वायर फाइव बाई थ्री प्लस सेक स्क्वायर फाइव बाई सिक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर, इसका आपका वैल्यू जानना चाह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, तो फोर है तो फोर कॉट स्क्वायर, पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान क्या होता है 180, तो 180 को तीन से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा 60, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ये आपका क्या जाएगा 30, 180 को 6 से भाग देंगे 30 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर मतलब 45, ठीक है। अब आप सबका मान रख दें बारी बारी से क्या होगा, कॉट 60 का मान होता है आपका 1/√3, तो 1/√3 यदि होल स्क्वायर आपका हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 30 सॉरी सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान आपका होता है टू बटे रूट थ्री, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा माइनस साइन 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे
चलिए यहाँ देखें, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ देखेंगे 4 है तो 4 बटा रूट 3 को करेंगे, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2 दूना 4 बटा 3 माइनस 1 बटे 2। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा आंसर फाइनली, आपका देखेंगे 13/6। इतना आप कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 54 में आपसे कह रहा है टैन 35 बटे कॉट 55 प्लस कॉट 78 बटे टैन 12 प्लस साइन 160 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री प्लस, यहाँ देखेंगे आप, सेक 40 डिग्री बटा कॉस 140 माइनस 1। ठीक है, इसका मान आपका निकालना, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि टैन और कॉट हो या साइन और कॉस हो और दोनों का डिजिट का योग 90 डिग्री हो तो उसका मान 1 आता है। तो देखेंगे टैन है कॉट है, ठीक है, और 35 और 55 कितना हो गया 90, तो टैन और कॉट है दोनों का योग भी हमारा 90 आ रहा है तो इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका देखते हैं, टैन है ये कॉट है टैन है दोनों का योग 90 तो इसका मान भी 1 प्लस, अब ये दोनों साइन और कॉस तो है लेकिन ये दोनों का योग 90 नहीं है, कितना है 180, तो ये नहीं होगा 1। अगर यहाँ एक 90 आ जाता तो इसका मान भी 1 हो जाता। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 20, साइन 180 माइनस 20 मतलब साइन 160 के बराबर है, ठीक है, बटा कॉस 20 नीचे का जो था उसे सेम टू सेम हमने रहने दिया, सेक 40 को आप रहने दें, सेक 40 डिग्री बटा कॉस 140 को क्या लिख सकते हैं आप, सेक ये सॉरी कॉस 180 माइनस 40, 180 में से 40 आप घटाएंगे क्या आएगा आपका 140 माइनस 1, तो माइनस 1 आप रहने दें। ठीक है, अब चले इसे कैलकुलेट कर लें, देखें 1 1 इधर 2 है इधर 1 है, माइनस से ख़त्म हो जाएगा, इधर इधर क्या आपका बच जाएगा 1, तो 1 प्लस ये आपका क्या बच जाएगा साइन 20, साइन 180 माइनस 20, चूँकि आप जानते हैं कि 180 में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं बदलती है, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा, तो 180 है तो साइन 20 बटे कॉस 20 प्लस है तो प्लस सेक 40 बटे ये भी 180 है तो ये भी नहीं बदलेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, कितना जाएगा 40 है, चूँकि किस कोऑर्डिनेट में है आप देखेंगे, कोऑर्डिनेट आपका सेकंड में है, 180 माइनस 40 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है साइन ये कॉस का मान क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस निकलेगा यहाँ तो ये माइनस निकलता, प्लस माइनस गुना होकर ये क्या हो जाएगा सीधे आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप ध्यान देंगे सिर्फ यही बात, साइन पे ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट आप पढ़ेंगे क्वाड्रेट 4 पार्ट का, उसमें आपका सेकंड क्वाड्रेट में आता है ये कॉस, और कॉस का उसमें मान कितना माइनस, तो चलिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, थीटा का कितना 20, तो 20 माइनस इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा को, सेक 40 को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस 40, ठीक है, इन टू कॉस 40 आपका पहले से भी था। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन 20 माइनस 1 बटे कॉस 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 स्क्वायर
40। ठीक है, देखेंगे अपन से, ये नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में का आपका पांचवा ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, ये आपका ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चले बस आप लोग रिवाइज़ कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप लोग को लग सकता है, रिवाइज़ करेंगे आप तो मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 आपसे क्या कह रहा है देखेंगे, साइन 75 का मान आपसे जानना चाह रहा कि साइन 75 का मान क्या होता है। तो साइन 75 का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 75 को हम इस तरह से दो पार्ट में तोड़ेंगे कि दोनों का दोनों जो डिजिट हो उसका मान निकलता हो। तो एक डिजिट हम ले लेंगे कितना 45, दूसरा डिजिट कितना ले लेंगे 30, तो 45 और 30 को आप ऐड करेंगे तो कितना 75। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, चूँकि 45 और 30 को हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 75, तो साइन 75 ही के बराबर है। चलें अब इसको हम क्या लिखेंगे, आपने पढ़ा हो एक फार्मूला साइन ए प्लस बी का, तो देखेंगे साइन ए प्लस बी, तो उसमें फार्मूले में आपका क्या था साइन ए, तो साइन ए की जगह पे कितना 45 इंटू कॉस बी, कॉस बी, बी की जगह पे 30 प्लस कॉस ए, ए की जगह पे कितना 45 इंटू साइन बी, बी की जगह पे 30। अगर आपने फार्मूले नहीं देखे हैं तो फार्मूले देख लें, क्योंकि बिना फार्मूले के आपका त्रिकोणमिति नहीं सोल्व किया जा सकता है, तो आप फार्मूले याद रखें। ठीक है, तो साइन 45 का मान आप क्या लिखेंगे, 1/√2 गुना कॉस, कॉस 30 का मान आपका हो जाएगा √3/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, कॉस 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, आप इसे कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा आपका 3/√2 प्लस 1/√2। अब जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो आपका 2√2 एलसीएम आएगा, इधर आपको क्या बच जाएगा 3 प्लस इधर 1, तो फाइनली आपका ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग रिवाइज़ करें, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ रिवाइज़ पे, क्योंकि जितना रिवाइज होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, यदि कोण थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका कितना है 2 है, तो वो आपसे जानना चाह रहा है अंडर रूट टैन थीटा प्लस अंडर रूट कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस तरह के सवाल के लिए, देखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, टैन थीटा का मान अगर हम 1 ले लें इसका मान 1, इस तरह का हमने अलजबरा में बताया आपको, और कॉट थीटा का मान 1, तो 1 और 1 2, तो यहाँ भी अगर थीटा मान लें आप इफ़ थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, यदि थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो टैन थीटा मतलब टैन 45 का मान 1 प्लस कॉट 45 का मान 1 और 1 प्लस 1 2। अगर ये मानना चाहते हैं तो भी ठीक, नहीं मानना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसके जगह पे 1 लें, इसके जगह पे 1 लें, तो 1 1 2, तो टैन थीटा का मान कितना हमने लिया था 1, तो अंदर रूट है तो अंदर रूट टैन थीटा का मान 1 प्लस अंदर रूट है तो अंदर रूट कॉट थीटा का मान 1, तो ये 1 ही निकलेगा रूट से, ये भी 1 ही निकलेगा, तो आपका फाइनली आंसर 1 1 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखें क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे कह रहा है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2
और साइन ए माइनस बी बराबर आपका है 1/√2। तो वो आपसे उम्मीद करता है, वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट करें कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलें, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। तो जो फार्मूला था उसे हमने लिख लिया, आप सबका मान दे देंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मान आपको कितना दे रखा है 1/√2। तो इसके आप लिख लेंगे 1/√2 गुना, तो गुना साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का मान है 1/√2। तो 1/√2 को 1/√2 से गुना करेंगे, फाइनली आपका आएगा 1/2 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आसान है। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखेंगे 58 में वो आपसे कह रहा है कौसे के बटा कौसे के माइनस 1 प्लस कौसे के बटा कौसेक ए प्लस 1 का मान कितना होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसे तो आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में भी तोड़ के निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा वो लंबा तरीका हो जाएगा, तो हम उतना लंबा तरीका नहीं जाना चाहते। तो चलेंगे सबसे शॉर्ट तरीका में, क्या करेंगे दोनों के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कौशिक ए माइनस 1 इंटू कौशे के प्लस 1, ये आपका होगा। और ये कौशे के माइनस 1 है, तो कौशे के माइनस 1 है तो गुना किस से जाएगा, कौशे के प्लस 1 से। तो ऊपर कितना था, कौशिक ए गुना होगा कौशे के प्लस 1 से। ठीक है, प्लस है तो प्लस क्या है आपका, कौशिक ए अब किससे गुना होगा, प्लस वाला है तो प्लस वाला छोड़ के क्या माइनस वाले से, कौशिक ए माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। अब चलें आप इसे कैलकुलेट करें, तो क्या आ जाएगा, कौशिक ए इंटू कौशिक ए गुना करें तो कौशिक स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस कौशिक ए को 1 से गुना करेंगे तो कौशिक ए प्लस, फिर इसको आप गुना करें तो कौशिक स्क्वायर ए, और ये प्लस और माइनस माइनस कौशिक ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और इसको आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले पे बेस्ड है आपका, तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व कर लें, कौशिक ए प्लस में है कौशिक ए माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये आपका क्या बच जाएगा, कौशिक स्क्वायर ए मतलब 2 है तो 2 कौशिक स्क्वायर ए बटे, ये आप कहोगे, इससे आप क्या ले सकते हैं, कौशिक स्क्वायर ए माइनस 1 का आपका फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप चलें इसको, 2 है 2 कौशिक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin² a, मतलब 2 कौशिक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 2 sin² a। ठीक है, ये आपका पहले से क्या था, कॉट स्क्वायर ए, तो गुना कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ये सभी को आप साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, बिल्कुल आसान है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए ख़त्म, तो इधर आपका क्या बच जाएगा,
देखेंगे, 2 बटा नीचे क्या बच गया था, कॉस स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर के बराबर जानते हैं 2 सेक स्क्वायर ए, ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल कूल माइंड में होंगे और बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे होंगे। और कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी भी आपको परेशानी हो रही है तो आप उसे 2 से 3 बार बिल्कुल दम कूल माइंड में रखिए और आहिस्ता आहिस्ता बनाने की कोशिश करें। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो चलें क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कह रहा है 1 बटे कॉस ए प्लस 1 × 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है 59 का। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या जानते हैं, ये सॉरी 1 बटे कॉस ए बराबर सेके प्लस है तो प्लस 1, ये 1 बटे कॉस ए मतलब सेके माइनस 1 और माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप चले हैं देखेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला आप जानते होंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से आप एक फार्मूले जानते होंगे, से का स्क्वायर थीटा माइनस 1, से का स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए, और माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर ए आपका दिया हुआ था, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा या ए माइनस टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है एक्स बराबर 7 कॉस थीटा, तो आप इसे और वाई बराबर आपको दे रखा है वाई बराबर 9 साइन थीटा, और आपसे उम्मीद करता है एक्स स्क्वायर बटे 49 प्लस वाई स्क्वायर बटे 81 का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे एक्स बटे 7 कर लें, एक्स बटे 7 बराबर आपको क्या हो जाएगा इधर कॉस थीटा, और इधर आपको क्या था वाई बटे 9 बराबर इधर क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, इसको इस तरफ कर लें, जब हम बोला था कि बराबर के दोनों तरफ सामान्य क्रिया करते हैं, और इस तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो इस तरफ भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, करेंगे ये पहला कंडीशन खत्म, दूसरे कंडीशन वाले में भी करेंगे इस तरफ स्क्वायर तो इस तरफ भी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर बटे 7 × 49 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला ख़त्म, ये बाय स्क्वायर बट 9 × 81 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे यहाँ से दोनों को इक्वेशन को जोड़ दें, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा LHS को LHS की तरफ जोड़ें और RHS को RHS की तरफ, तो LHS वाले को जोड़ेंगे इधर दोनों को और RHS वाले को ये दोनों को। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 और इसको जोड़ना बाय स्क्वायर बटे 81 बराबर, अब RHS वाले को जोड़ते हैं तो RHS में क्या था आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका RHS क्या था साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर तो आपका यही रह जाएगा ना, ये आपका रह जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 49 प्लस बाय स्क्वायर बटे 81 बराबर है तो बराबर, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो आपका आंसर निकल गया यहाँ से एक्स स्क्वायर बटे 49 प्लस बाय स्क्वायर बटे 81 बराबर 1, आपसे जानना भी यही चाह रहा था, तो ठीक है ये आपका आंसर हो गया। बस आप लोग रिवाइज़ करें और जो मुश्किल सवाल लगे उसके 2 से 3 बार प्लीज़ मेरी तरफ से आप रिवाइज़ करने की कोशिश करें।
चूँकि बिना रिवाइज का कुछ नहीं होने वाला, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखकर आप ऐसा फ्रस्ट्रेट ना हो कि उसे दोबारा टच भी ना करें। जो ज़्यादा हार्ड लगे आप उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करें, उससे ज़्यादा कोशिश करें बनाने का, क्योंकि जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, चीज़ें आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट पहुँचाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।